मैम तुम्हें बताएंगे, अभी हमारे जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख जी ने एक लेटर जारी किया अपने ऑफिस से कि मोहम्मद द मैसेंजर फिल्म आ रही है वो डॉन सिनेमा पे ओटीटी पे नहीं रिलीज होगी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक्स टू अनिल देशमुख जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो मैंने रजा एकेडमी से मांग की थी वो अनिल देशमुख जी ने समझा और उसको मान के उसको अगर उनका लेटर आप पढ़े तो कहीं मेंशन नहीं किया उन्होंने कि डॉन सिनेमा को बैन करो या डॉन सिनेमा पे, वो उन्होंने कहा जहाँ जहाँ ये फिल्म फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम ओटीटी जहाँ भी ये फिल्म है उसको ना चलाया जाए, वो एक लेटर में है, कहीं भी डॉन सिनेमा मेंशन नहीं है, वन। और सेकंड, जो मैंने रजा एकेडमी से कहा था कि ये फिल्म इनलीगली चल रही है सारी जगहों पे, यूट्यूब पे फेसबुक पे, तो हर जगह पे अगर आप डॉन सिनेमा को रोकना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हो कि डॉन सिनेमा स्ट्रीमिंग करे इस फिल्म को, तो आप लोग उन सब जगहों से इस फिल्म को हटाओ जहाँ पे भी ये फिल्म इनलीगली चल रही है। और थैंक्स टू अनिल देशमुख जी, उन्होंने इस बात को समझा और ये एहसास किया कि जहाँ भी फिल्म चल रही है उन चीज़ों को हटाया जाए। जो डिमांड्स मैंने रजा एकेडमी से रखी थी उसको अनिल देशमुख जी ने समझकर उसके ऊपर बैन लगाने के लिए आईबीएन मिनिस्टर दिल्ली को लेटर भेजा। ये फिल्म ईरानियन लैंग्वेज में बनी है और इसको हिंदी में डब के यहाँ रिलीज किया जा रहा है हिंदुस्तान में जी, और इसके पहले भी बहुत बवाल हुआ था इस फिल्म के ऊपर, तो क्या क्या सोचेंगे आप इसके बारे? देखिए, फिल्म को मैं अगर आपको एज ए मुस्लिम फर्स्ट अगर मैं एज ए मुस्लिम बात करूँ तो मैं ये फिल्म को अगर मैंने फिल्म देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन है वो पढ़ने से ज़्यादा स्कूल में सीखने से ज़्यादा आजकल मोबाइल से ज़्यादा समझने लगी है, और हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया मीन्स मोबाइल है। तो ये फिल्म एक तालीम के हिसाब से बनी है, 7 ईयर्स इस पर रिसर्च की गई है, और इस फिल्म को बनाने के लिए माजिद मजिदी ने, मैंने तो फिल्म नहीं बनाई, तो फिल्म मेकर ने अपने एंटाइटल में उन सब इस्लामिक स्कॉलर्स जिनसे भी उन लोगों ने रिसर्च में मदद मिली, उस स्क्रिप्ट की मैं मदद ली और उनसे अप्रूव करवा के लिया था, तो देर इज़ अ लॉट्स ऑफ इस्लामिक स्कॉलर इन्वॉल्व इन दिस फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर मुस्लिम हैं, इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर मुस्लिम हैं, इस फिल्म के मेकर्स मुस्लिम हैं, तो मुझे जब मुझे ये फिल्म मैंने लिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि इस फिल्म को लोग सराहेंगे, इस फिल्म को लोग एक तालीम के हिसाब से लेंगे, जैसे अगर हम महाभारत की बात करें, अगर हम रामायण की बात करें, जब महाभारत और रामायण इस हिंदुस्तान में आया दूरदर्शन पे जब पहली बार आया तो कर्फ्यू लग जाता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे घर में बैठ के उसको देखते थे कि हम इस कौम के वंशज है, यहाँ से हमारे जो पूर्वजों ने इस तरीके की कुर्बानियाँ दी है, इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी है इस मज़हब के लिए, और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे भी ऐसा लगा था कि जब हम इस फिल्म को लेकर आएंगे तो वो अप्रिशिएशन मिलेंगी। अगर आप ज़्यादातर मुस्लिम लोगों से बात की जाए तो एक कौम, क्योंकि रजा एकेडमी अपनी जगह पे वो इन चीज़ों के खिलाफ है, उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया है, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन देर इज़ अ लॉट्स ऑफ मुस्लिम पीपल्स जिन्होंने मुझे मैसेज किया, ईमेल किया, लोगों ने डिमांड रखी कि हम ये फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये तो एक हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, हमें पूरा हक है अपनी बात रखने का, अगर हमारा कानून उसके एतराज़ लेता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते तो आई एम फॉलोइंग माई लॉ, आई एम बिलीविंग माई लॉ, और मैं उसका एहतराम करूँगा बिल्कुल। लेकिन अभी ये फिल्म के लिए आपने काफ़ी पैसा खर्च करके इसकी राइट्स खरीदे, फिर ऑनलाइन पूरी पब्लिसिटी आपने की, और भी इसको रिलीज़ करने में प्रमोशन आपका बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन अब क्या, अगर ये फिल्म नहीं रिलीज़ हुई तो क्या करेंगे आप? नहीं देखिए, मैं कानून में बिलीव करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट मूव किया हूँ, मैंने अपने लीगल टीम से बात की है, देर इज़ अ लॉ, सबसे ऊपर हर इंसान के ऊपर हमारा लॉ है जिसमें हम बिलीव करते हैं, हम अपने कानून को मानते हैं। अगर मुझसे कानून कहेगा कि आप रिलीज मत कीजिए तो मेरा नुकसान सर आँखों पर मुल्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कानून मुझसे कहता है कि आपको इजाज़त है तो फिर मैं बिल्कुल फिल्म को रिलीज़ करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने रजा एकेडमी वालों को नहीं कि आप एक बार फिल्म देख लीजिए, उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं है या कोई ऐसे सीन नहीं है जिसकी वजह से मुसलमानों को ठेस पहुंचे? नहीं, मैंने जब रजा एकेडमी यहाँ आए मैंने उनका वेलकम किया, मैंने बहुत इज्जत देके पूरा वीडियो, जबकि वो वीडियो उनके कोई एक प्रेस रिपोर्टर आया था साथ में, उस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड किया, वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, उस पूरी मीटिंग की डिस्कशन
तो उस कन्वर्सेशन में मैंने उनसे सिर्फ एक इल्तिजा की थी कि ये फिल्म कॉपीराइट हमारे पास है और इस फिल्म को अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फ्री में दिखाया जा रहा है, इनलीगली दिखाया जा रहा है, और अगर आप ये कहते हो कि हमें रोकना है इस फिल्म को हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ है, तो फिर सिर्फ डॉन सिनेमा पे नहीं है ये फिल्म हर जगह से रोके जहाँ पे अवेलेबल है। लाखों करोड़ों लोगों ने इस फिल्म को उस इनलीगली तौर पर देखा है। तो मेरा उनसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त थी कि मैं आपके साथ हूँ, इस मुल्क के कानून के साथ हूँ, अगर आप कहते हुए इस फिल्म को रोकना है तो मैं आपके साथ कहता हूँ फ्रंट ऑफ कैमरा कि मैं इस फिल्म को रोकूंगा, लेकिन उस जगहों से भी फिल्म हटे जहाँ से ये फिल्म इनलीगली चल रही है। आज जब मैंने अनिल देशमुख जी का लेटर पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मेंशन किया है कि हर उस प्लेटफॉर्म से, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, जहाँ भी ये फिल्म चल रही है, इस फिल्म को इमीडिएटली तौर पर बैन करके रोकना है। कहीं भी उन्होंने डॉन सिनेमा मेंशन नहीं किया। आखिरी सवाल, क्या लगता है ये जो आपने जितना भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी आपने राइट खरीदे, तो इसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ भरपाई कर पाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इस कानून हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए सर आंखों पर है। अगर कानून कहता है मुझसे कि फिल्म दिखाइए, और अगर फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है कि नहीं दिखाइए, तो मैं उनको सुप्रीम कोर्ट से जो मेरा ऑर्डर आएगा वो मैं दिखाऊंगा। अगर मुझे कहती है, कानून कहता है कि नहीं दिखाए, तो फिर मुझे कोई डिमांड की सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली मेरी एक रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, मुंबई पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, कि अगर आप लोगों ने रज़ा एकेडमी की बात सुनी है तो मुझे भी एक मौका दीजिए कि मैं भी अपनी बात आके आपके पास रखूँ, ताकि इंसाफ हो, वो बराबर हो, एक तराजू में तोले कि भाई कौन सही है, कौन गलत है, क्या बोल रहा है, और जो भी आप लोगों का कानून कहता है, जो भी आप लोगों की गवर्नमेंट कहती है, मेरे लिए सर आंखों पर है। थैंक यू।